आज आप लोग का डिमांड में मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं ऐसे ढोकला लगा के आई हूँ। तो गाइस मुझे लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूले। हेलो व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग प्रीति नार्जिनारीज चैनल एंड वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग वीडियोस। गिवियन खुलुमबाई राइजोफोर दिन आगे दाबसी जगह ओंखारद मैं आज एक जगह में जा रही हूँ। तो आज मैंने पहन लिया है हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस डोखना, यही पहन लिया मैंने। तो आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मैं कहाँ पे जा रही हूँ। तो चलिए, अभी मैं खड़ी हूँ हमारी हैमिल्टनगंज जाने वाली जो रास्ता गोदाम डबरी, वहीं पे खड़ी हूँ। तो यहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत ही अच्छा वेदर है गाइस, मतलब यहाँ पे बहुत ही नेचुरल एक जो होता है ना सुनहरा वेदर जिसको बोलता है वही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दिखाती हूँ। लड़के लोग यहाँ पे बाइसाइकिल के लोग राइडिंग कर रहे हैं। ये है मधुबन की फॉरेस्ट, यहाँ पे रात को आने से बहुत ही डरावना होता है। वैसे देखने में बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, पर रात को यहाँ पे हाथी भी निकलते हैं और चीता जो है चीता भी निकलते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा बी केयरफुल होना पड़ता है ना। दिन को ऐसे घूम सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाना आना होते रहते लोग जाते आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रात को थोड़ा बी केयरफुल होना चाहिए इस रास्ते में जाने से, अकेले स्पेशली बाइक और थोड़ा मतलब अपने आप को केयरफुल सावधान रहना भी जरूरी है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ हासिमारा, ये है ओल्ड हासिमारा, क्योंकि हासिमारा दो ठो है, न्यू हासिमारा एंड ओल्ड हासिमारा। ये है ओल्ड हासिमारा। तो अभी इस चौपती से घूम के सीधा राइट ले लेंगे, लेफ्ट की ओर जाते हैं सिलीगुड़ी, बीरपाड़ा, जलपाईगुड़ी सभी जाते हैं, इधर राइट की ओर ले लेंगे हम लोग। गाइस अभी हम लोग हासिमारा से निकल चुके हैं। तो ये है जयगांव और भूटान जाने वाली रास्ता, मैं इससे पहले भी दूसरा ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ ये रास्ता। वाओ, राइट साइड से जो रास्ता जा रहे हैं ये जा रहे हैं भूटान एंड जयगांव, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड सीधा रास्ता जा रहे हैं, उसी रास्ता से हम लोग जा रहे हैं अभी। तो आप लोग चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहे। गाइस यहाँ का जो सीन है वो देखिए कितना अच्छा है ना,
भूटान है, भूटान कंट्री। और अभी हम लोग खड़े हैं जयगांव मेचे बस्ती में। मेचे बस्ती यहाँ पे बहुत सारे नेपाली एंड बोरो कम्युनिटी का यहाँ पे पीपल रहते हैं, तो इसलिए इस जगह का नाम मेचे बस्ती है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली यहाँ पे चारों तरफ चाय बगान है और बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा, बहुत ही सुंदर वेदर। मतलब इवनिंग में अगर आप यहाँ पे घूमने आएंगे तो आप लोग को बोरिंग नहीं लगेगा, बेझिझक। अच्छा, तो देख सकते हैं आप लोग, ये लोग मतलब चाय बगान में ये लोग काम करते हैं लेबर। तो अभी अभी ये लोग काम करके आए हुए हैं। महिला लोग भी ऐसे स्प्रे करने का काम भी करते हैं क्या? मतलब दवाई दवाई छिटे नहीं तो नहीं। अच्छा, चाय बगान में। तो व्यूअर्स, मैं आते आते पहुंच गई हूं अभी फ़िलहाल तोरसा रिवर व्यू, जो मतलब कैफ़े हैं वहीं पे पहुंच गई हूं। तो यहां से जो व्यू है वो बहुत ही काफ़ी अच्छे आते हैं, तो देख सकते हैं यहां पे बैक साइड में। तो फ़ोटो सेशन के लिए भी आते हैं यहां पे लोग, क्योंकि यहां का जो व्यू है बहुत अच्छा है और मौसम भी बहुत खूबसूरत होते हैं यहां का। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूं, वो बैक साइड में हिल्स दिखा दे रहे हैं और यहां जो सनसेट बहुत ही अच्छा दिखे। गाइस, ये है फाइनल जो व्यू, इधर देख सकते हैं आप लोग मेरा जो लेफ्ट साइड में, बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से दिख रहे हैं ये पहाड़ पूरा, और इधर से सनसेट दिखाओ ना, वो बहुत ही आनंद। अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नॉर्थ बंगाल के अलीपुर। बोरोनी पूरा बोरोनी। कैसे हैं आप लोग, कमेंट्स करके। बोरोनी बुल अन्ना नए जिन्नी वेस्ट बंगाल ने माने अलीपुरद्वार मा ब्रेक थाने दबाओ कमेंट्स अन्ना नए यार की खौसा हो जाएगा यार। गगली गगलीला हाथाई थाई छी पर थनाएगा हाथे काज में थाई छी तो वो। बरसात के मौसम में ये रिवर बहुत बड़ा होते हैं, पर विंटर सीजन में यहाँ पे पिकनिक खाने के लिए बहुत आते हैं। यहाँ पे जगह ही नहीं मिलते हैं पिकनिक खाने के लिए, इतना भीड़ होते हैं यहाँ पे। शूटिंग चल रहा है क्या? कौन सा? वेडिंग शूटिंग। वेडिंग, अच्छा मैं सोच रहा था कि वेडिंग फोटोज लाना ही नहीं। शूटिंग प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम नहीं है ना? टाइम को लेके प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक ठीक दहा बंदों ने आबे दे ना शूट खालामगोन ना मा खालामगोन ना खालामगोन है ता तो हाबो गेले खालामान जिंदगी में मैं कभी भी डोकना लगा के नहीं आई हूं गाइस। बोरोंगना नंगलाई फर्स्ट टाइम इन लाइफ में बोरोंगना के आई हूं, क्योंकि मेरा जो व्यूअर्स लोग है ना, बहुत सारे व्यूअर्स लोग मुझे कमेंट्स करके बोल रहे थे आप क्यों डोकना लगा के ब्लॉग नहीं बनाते हो। अच्छा, तो आज आप लोग का डिमांड में मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं ऐसे डोकना लगा के आई हूँ। तो अच्छा। गाइस मुझे लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूले। वेडिंग फोटो शूट वाला विस्ता तो मायरी दिमाग झारी रखबो।
ছেড়ে দিলে সোনার গোল, আর তো পাবো না না না, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদমা ঝারি রাখবো, ছেড়ে দেব না তোমায় বক্ষ মাঝে রাখবো, ছেড়ে দেব না। ভিউয়ার্স, বহুত দের সে यहाँ पे पानी में खेला, अभी ये जाएंगे हम लोग वापस, तो थोड़ा सा इस कैफे में कुछ खाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लाइटिंग से सजाया हुआ है यहाँ का जो कैफे, तो चलते हैं कुछ मिलता है क्या खाने के लिए, देखेंगे। जुन नेपाली साथीहरु र भ्युअर्सहरु मेरो भिडियो हेर्छन्, तपाईहरुलाई नमस्ते सबैजनालाई। आज म आएको छु जयगाउँको मेचे बस्तीमा, जुन चाहिँ हाम्रो अलिपुरद्वारमा छ। तो भ्युअर्स, आज का मेरा भिडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना ना भूले। लगभग नंसर आंगनी भिडियो को नायना नहीं मारी मन को आंगना है कमेंट्स खालामना नहीं खताना हागन दाने दने नहीं वे भिडियो बेलो से बेमानी लो से दाये जंग थांगफिने से तो थांगफिने नहीं सिगाने से कैफे आओ है नहीं जाने से। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।